नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जानकारी कुछ हटके पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 56 ई ऑक्शन रिजल्ट जो है कब घोषित होगा और जो है कौन कौन से चैनल ने जो है स्लॉट जीता है और जो है ई ऑक्शन का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया है। जैसा कि आपको पता है, कोई भी ई ऑक्शन होती है तो उसका रिजल्ट जो है बहुत ही जल्दी घोषित कर दिया जाता है, शाम तक या दूसरे दिन आपको बता दिया जाता है। लेकिन इस बार की ई ऑक्शन में ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ नहीं है तो आपको हम बताएंगे। बस आप लोग जो है वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। हमारे चैनल पर आपको डीडी फ्रीडी डीटीएस सीरियल संबंधित सारी अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जो खबरों की माने तो इस बार की ई ऑक्शन का रिजल्ट अभी तक इसलिए नहीं आया है क्योंकि जो है अभी तक केवल एक या दो ही चैनल जो है स्लॉट जीत पाया है। जी हाँ दोस्तों, बाकी जो है अभी भी ई ऑक्शन जारी है। जैसा कि आपको पता था, पिछली ई ऑक्शन जो हमारे लिए एमपीजी फोर स्लॉट के लिए हुई थी उसमें के रिजल्ट में भी काफ़ी डिले देखने को मिलेगा। लगभग 3 से 4 दिनों बाद रिजल्ट आया था। उसका कारण यही था कि ई ऑक्शन में बहुत से कम चैनल ने पार्टिसिपेट किया था और जो है बहुत कंपटीशन हुआ था। उसके बाद में यही कारण इस ई ऑक्शन में भी बताया जा रहा है, इसमें भी जो है कंपटीशन ज़्यादा है और जो है इसमें भी जो है ई ऑक्शन में अभी भी कंपटीशन जारी है। ई ऑक्शन जारी इसीलिए जो है प्रसार भारती ने अभी तक रिजल्ट नहीं घोषित किया है और अभी तक ना ही ये पता चला है कि कौन से चैनल ने जो है स्लॉट जीत लिया है। तो वेट कर लीजिए आप लोग, जैसे ही रिजल्ट आएगा हम आपको सबसे पहले रिजल्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी जो है रिजल्ट आने में शायद आज शाम तक या आपको कल तक ज़रूर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में जो भी चैनल आपका जुड़ेगा वो 1 जनवरी से देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इस बार की ई ऑक्शन में ज़्यादा चैनल्स ने भी पार्टिसिपेट ना किया हो और लग रहा है कि बहुत से ज़्यादा चैनल्स ने ही पार्टिसिपेट किया है, इसीलिए जो है कंपटीशन ज़्यादा है। बाकी जैसे ही कोई नई खबर आती है आप तक हम जरूर पहुँचाएँगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।